नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर नोटिफिकेशन आइकन आएगा, नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जब भी वीडियोज़ अपलोड होते रहें तो आपको आसानी से उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का टॉपिक है एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें एक हेरिटेज साइट को एडॉप्ट किया जाएगा और उसमें कुछ सुधार लाए जाएंगे, वहाँ पर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए ताकि जो डोमेस्टिक या फिर फॉरेन टूरिस्ट्स हैं वो टूरिज्म स्पॉट्स पे आएँ और उससे हमारी जो इनकम होती है गवर्नमेंट की वो इन्हांस हो। तो आइए शुरुआत करते हैं एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये स्कीम किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम जो है इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तीन बॉडीज़ हैं, ये तीन डिपार्टमेंट हैं जो कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगी। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द थर्ड वन इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये तीनों मिलके एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये डिस्कस करें कि आखिर इसका एम क्या है। ठीक है, एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम की एम क्या है, तो सबसे पहली एम, पहला एम जो है वो ये है टू एडॉप्ट टू प्रमोट टूरिज्म, जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। नेक्स्ट ये है कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स या फिर कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि हेरिटेज और टूरिज़म की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसमें जो इन्वॉल्व होंगे लोग वो पब्लिक सेक्टर भी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर कोई कम्युनिटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट इसकी जो सबसे जो खास बात है, जो सबसे ज़रूरी एम है जिसको हमें समझना है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है टूरिज्म स्पॉट्स का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना है किसी भी स्पॉट का, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि वहाँ पर कोई नुकसान ना हो उस चीज़ को। ठीक है, बिना नुकसान के जो डेवलपमेंट किया जाए उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं इंडिया के वहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चाहे रोड की बात की जाए या फिर अन्य जो सुविधाएं होती हैं वहाँ पे मिलती हैं, वो सारी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे हों, वर्ल्ड क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करा सकें। तो यही एम है, दो इंपॉर्टेंट एम है। पहला चीज़ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा यह है कि टू प्रमोट द टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करना है। अब बात करें कि प्राइमरी फोकस क्या है, क्या देखिए किसी भी चीज़ की कोई भी स्कीम है तो उसकी दो ऐसी एरियाज होती हैं, पहली चीज़ कि उसका एम क्या है और दूसरी चीज़ उसका फोकस क्या है। और बाद में हम डिस्कस करते हैं जब वो कुछ साल बीत जाता है उस स्कीम का, तब हम डिस्कस करते हैं, समराइज करते हैं कि उससे क्या फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, जो भी होता है। तो प्राइमरी फोकस की बात करें तो बेसिक एनिमिटीज़ जैसे कि क्लीनलीनेस, सफाई, स्वच्छता, वहाँ पे जो स्पॉट है, टूरिज्म स्पॉट है, जो हेरिटेज साइट है, वहाँ पे बेसिक एनिमिटीज़ जैसे कि क्लीनलीनेस होनी चाहिए। दूसरी पब्लिक कन्वीनियंस, पब्लिक कन्वीनियंस मतलब वहाँ पे जो पब्लिक पहुँच रही है उसकी सुविधा का ख्याल रखा जाए, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी पीने को मिले वहाँ पे, किसी प्रकार की पानी में दिक्कत ना आए, खाना में दिक्कत ना आए, साथ ही साथ क्लीनलीनेस रहे वहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ईज़ ऑफ एक्सेस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो उम्रदराज लोग हैं और साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो हैं, उनके वहाँ पहुँचने का क्या आसानी है या नहीं है, मतलब उनको आसानी से उस स्पॉट तक, उस हेरिटेज साइट तक पहुँचाने की व्यवस्था है या नहीं है। तो ये इसमें देखना है कि क्लीनलीनेस रहे, पब्लिक कन्वीनियंस रहे, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अच्छी रहे और जो दिव्यांग हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं वो वहाँ पे कितनी आसानी से पहुँच पाते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये तो बेसिक एनिमिटीज़ थी, बेसिक चीज़ें थी जो कि इसमें प्राइमरी फोकस में थी। कुछ एडवांस्ड एनिमिटीज़ भी हैं, कुछ एडवांस्ड एनिमिटीज़ हैं वो ये हैं कि पहली चीज़ सर्विलांस सिस्टम, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जाए ताकि किसी प्रकार की आगे दिक्कत होने पर उस चीज़ को पकड़ा जा सके, उसको देखा जा सके कि क्या यहाँ पे हुआ है, तो सर्विलांस सिस्टम। नेक्स्ट है नाइट व्यूइंग फैसिलिटी, रात में देखने की फैसिलिटी जो होती है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड फैसिलिटी होती है उसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा जो कि वहाँ पे आने वाले टूरिस्ट की सहायता करेगी। नेक्स्ट इन्हांस्ड टूरिज्म एक्सपीरियंस, जो टूरिज्म में एक्सपीरियंस है लोगों का वो इन्हांस हो, कहने का मतलब जो आज से 5 साल पहले टूरिस्ट आते थे फॉरेन से या फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट जो आते थे उस उन हेरिटेज साइट्स पे, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या था, उसको कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर और टूरिज्म एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कुछ एडवांस्ड एमिनिटीज़ रखी गई हैं। अब बात करें कि इसका रिजल्ट क्या है, कोई इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या है ये तो बाद में देखने को मिलेगा जब कुछ सालों तक कोई स्कीम चल जाती है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ तक सफल रही है। रिजल्ट इसका ये होना चाहिए कि इंक्रीज्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट, जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या, उनकी इंक्रीज हो,
चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फिर फॉरेन टूरिस्ट हो, उनकी संख्या इंक्रीज हो। और देखिए, संख्या अगर इंक्रीज होगी तो उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। टूरिज्म स्पॉट पे जब भी जाते हैं, हेरिटेज साइट्स पे जब भी जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए टिकट्स लगते हैं, टिकट्स के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो पैसे जो आते हैं, जो रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट होता है, वो देश में, देश के जो खजाना है उसमें ऐड होता है। तो एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम को एक बार फिर से आधा मिनट में समराइज करते हैं। एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संयुक्त एक स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम में मेंटेनेंस करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हेरिटेज साइट्स का, और टूरिज्म को प्रमोट करना है। क्लीनलीनेस, पब्लिक सर्विलेंस, पब्लिक कन्वीनियंस, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो आसानी से वहाँ पहुँच सकें, सर्विलांस सिस्टम हो, अच्छी सिक्योरिटी हो वहाँ पे, टूरिस्ट्स का एक्सपीरियंस जो हो वो पहले से अच्छा हो, ये कुल मिलाकर एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत आता है। तो हमने आज डिस्कस किया एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम क्या होती है, टू द पॉइंट में, शॉर्ट नोट्स में हमने देखा इसको। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।